कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आप लोग सब खैरियत से हैं और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो फ्लैक्स बॉक्स की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे और आज जो है फ्लैक्स बॉक्स की फोर्थ एपिसोड है। सो फ्लैक्स बॉक्स हमने बहुत डिटेल में स्टार्टिंग में देखा था कि वाई वी आर यूज, और आज हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कॉप अप करने जा रहे हैं, वो है जस्टिफाई कॉन्टेंट। फ्लैक्स बॉक्सेस के अंदर जस्टिफाई कंटेंट जो है वो आपके गिवन स्पेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इफ़ यू वांट टू एडजस्ट योर कंटेंट अराउंड स्पेसिंग, बिटवीन स्पेसिंग, तो इस तरह के जो इसमें आपको पैडिंग और मार्जिन्स की नीड ज़्यादा नहीं होती इसी वजह से, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट ऑटोमेटिकली अपनी कॉन्टेंट को जस्टिफाई करने में हेल्प आउट करता है। सो लेक्चर को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो वीएस कोड पर आने के बाद लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था रैपिंग, फ्लैक्स रैपिंग। सो यहाँ पर आज हम पढ़ते हैं जस्टिफाई कॉन्टेंट। ठीक है, जस्टिफाई कॉन्टेंट बाई डिफॉल्ट तो फ्लैक्स स्टार्ट ही रहता है, जिस तरह से मैं इसको जस्टिफाई कॉन्टेंट लिखूंगी। और यहाँ पर हमारे पास फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड है, सेंटर है, एंड है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फ्लैक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टीज अगर मैं डिस्कस करूँ तो मेरे पास है फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैक्स कंटेंट के अंदर फ्लैक्स स्टार्ट। तो नॉर्मली फ्लैक्स स्टार्ट ही होती है बाय डिफॉल्ट, अगर आप चेक करें। और मैं यहां से रन करा के चेक करती हूँ कि फ्लैक्स स्टार्ट नॉर्मली स्टार्ट से ही, शुरू से ही वो वर्किंग करती है। इस तरीके से अगर हम आ जाते हैं फ्लैक्स एंड, जैसे मैंने फ्लैक्स एंड लिखा और एंड लिखकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इट्स नॉट वर्किंग। इसी के साथ मैं ज़रा कंटेंट थोड़े कम कर देती हूँ ताकि मुझे दिखे फ्लैक्स एंड एंड फ्लैक्स, क्योंकि पोजीशन जो है वो ख़त्म हो गई है इसकी। ठीक है, सो मैं ऑल्सो रिमूव द विद, देखिए फ्लैक्स एंड पे चला गया और फ्लैक्स स्टार्ट था तो कंटेंट जो है वो फ्लैक्स स्टार्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास जो है फ्लैक्स सेंटर है, जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट है इट इज कॉल्ड द फ्लैक्स सेंटर। सो फ्लैक्स सेंटर की प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, सेंटर प्रॉपर्टी पर। सो सेंटर हो गया, अब इसके बाद हमारे पास है स्पेस, स्पेस अराउंड। तो यहाँ पर फ्लैक्स स्पेस अराउंड और बिटवीन और एवनली देखते हैं। पहले है स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड इन चारों कंटेंट आइटम्स के अंदर इक्वली स्पेस देता है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। इस तरीके से अगर मैं चेंज करूँ स्पेस बिटवीन कर दूँ तो स्पेस बिटवीन लाइन मार्जिन से स्टार्ट होगा और आपस में इनमें स्पेस प्रोवाइड करेगा। अच्छा, स्पेस अराउंड एंड स्पेस एवनली का पर्पस नॉर्मली देखा जाए तो सेम ही है, दोनों साइड से इसने स्पेस इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही चीज आपके स्पेस अराउंड ने भी आपको अप्लाई करके दिखाई है। इस तरीके से मैं इसको अगर दोबारा से रन कराऊं, ठीक है, तो इक्वली स्पेस। लेकिन अच्छा, स्पेस अराउंड में और स्पेस एवनली में एक इशू है। अगर आप स्पेस अराउंड पढ़ते तो यहाँ से और लेफ्ट एंड राइट से सिमिलर स्पेस नहीं है जितना से इन दोनों कंटेनर्स के या आइटम्स के बीच में है। लेकिन अगर आप स्पेस एवनली करते हो तो वही स्पेस इसके लेफ्ट एंड राइट से भी और सेंटर से भी इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। या जो भी आप कंटेनर बना रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर हाइट रख देती हूँ
लाइक कोई भी आप यहाँ पर इसकी हाइट डाउन हाइट जो है वो राइट डाउन करती हूँ, लाइक 30 PX लगा देती हूँ, लाइक 300 PX लगा देती हूँ। इस तरीके से मैं कंटेनर की भी जो है वो हाइट 30 PX राइट डाउन कर देती हूँ। अब यहाँ पर इवनली है ये और आइटम की विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ 50 PX, ठीक है। सो इट्स लुक लाइक दैट। तो इवनली स्पेस इन सबके बीच में आ रहा है, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली में यही डिफरेंशिएटेड। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज हमने जो है वो जस्टिफाई कंटेंट को देखो, इसकी 5 से 6 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आज जस्टिफाई करी। अगर हम फ्लैक्स को वापस अपनी जगह पर लेकर जाएंगे तो हम फ्लैक्स स्टार्ट लिख देंगे जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है इसकी। फ्लैक्स स्टार्ट ये इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है और ये ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट में ले लेगा, ठीक है जी। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।